हाय गाइस, दिस इज सोनल कौशल द मोटर माउथ. वेलकम बैक टू माय चैनल. गाइस, आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द टॉपिक कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल पर वो वीडियो देखा था हाउ टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट, तो उसमें मैंने बात की थी कि कैसे आपको अपनी लैंग्वेज पे काम करना चाहिए एंड लैंग्वेज पर काम करना, उसको मास्टर करना कितना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ वॉइस आर्टिस्ट. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट लैंग्वेज लैंग्वेज एंड लैंग्वेज. लैंग्वेज को परफेक्ट करना या उसमें मास्टर करना आसान काम नहीं है एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. आप जिस भी लैंग्वेज में मास्टर करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ऑब्जर्विंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सब जानते हैं कि मैं हिंदी में डब करती हूँ, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं इंग्लिश में भी डब करती हूँ और एड्स के लिए मैं रीजनल लैंग्वेजेस में भी डब करती हूँ. ये छोटा भीम ट्रॉली बैग इष्ट कूलर वागा येल्ला कड़े तो गुनोक्तिरा हागिद्रे नॉर्थ सूपी नूडल्स तिनेरी ओला गिरुगा बुकमार्क ना कोड SMS माड़ी. रीजनल लैंग्वेजेस के लिए हमारे साथ लैंग्वेज सुपरवाइजर्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किस वर्ड को किस तरह बोलना है, प्रोनंसिएशन में हेल्प करते हैं. सिंस आई हैव ट्रेन्ड पीपल फॉर वॉइस एक्टिंग, तो मुझे पता है कि लोग क्या क्या छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं जिनकी वजह से आपका जो वॉइस ओवर है या आपकी जो परफॉर्मेंस है जो आप वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज आई स्पोक अबाउट फ एंड फ इन माई प्रीवियस वीडियो, सो फ और फ ये ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से मिक्स करते आए हैं, हमारे टीचर्स ने हमें नहीं सिखाया. फ जो है वो हिंदी वर्णमाला से आता है, फ जो है वो उर्दू से आता है. फ के वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं फल फूल एंड फ के एग्जाम्पल हैं फितरत, फुर्सत, सिफारिश, गुफ्तगू, ये सब उर्दू से आते हैं. एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है मात्राएँ. मात्राओं को ठीक से बोलना, उनका ठीक से उच्चारण करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारी लैंग्वेज प्रॉपर सुनाई नहीं देती है. अगर आप कहें कि आज मैं बहुत सारा सामान लाया हूँ तो इट विल बी रॉन्ग. द करेक्ट प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड सामान इज सा मा न एंड नॉट समान. समान का मतलब होता है सेम, सामान मतलब होता है स्टफ. सो अगर आप मात्रा ठीक से नहीं लगाएंगे, मात्रा ठीक से बोलेंगे नहीं, तो वर्ड गलत भी हो सकता है, वर्ड का मीनिंग भी चेंज हो सकता है. सिमिलरली बाजार, कई लोग बोल देते हैं आज मैं बाजार जा रहा हूँ, इट इज़ एक्चुअली बाजार. एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, द वर्ड रोशनी. हम बचपन से सुनते आए हैं रोशनी, आज रोशनी बहुत है, चाँद की रोशनी है ना. लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि रोशनी गलत है. द करेक्ट प्रोनंसिएशन इज़ रोशनी. इट्स अ सिंगल मात्रा, र पे सिंगल मात्रा लगती है जो बनता है रो एंड नॉट रॉ. सो आपने कई बार सुना होगा कि ऋतिक रोशन अपना नाम ऋतिक रोशन बोलता है, ना कि रोशन. माई फादर, हिज प्रोनंसिएशन इज़ क्वाइट प्रॉपर आई मस्ट से, एंड वो हमेशा रोशनी ही बोलते हैं, रोशन ही बोलते हैं, एंड आई यूज टू वंडर वाई डज ही से दैट, बट ही वॉज राइट. एक और बहुत छोटी सी चीज़ है और वो है बिंदी. बहुत ही छोटी सी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो वैसे ही अगर हम बिंदी की बात करें, मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है मैं वहाँ जा रहा हूँ. नाउ दिस इज़ रॉन्ग. यू हैव टू से मैं वहाँ जा रहा हूँ. उसका अगला स्टेप है कि आपको एनालाइज करना है खुद को कि आपने कैसे बोला है, कैसे होना चाहिए था, कहाँ गलती है. लैंग्वेज बोलने के साथ साथ हमें ज़रूरत है किसी ऐसे की जो हमें बताए कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं, कहाँ पर किस तरह से हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए. तो जब मैं ये वीडियो बनाने का प्लान कर रही थी तब मैंने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च किया, पर मुझे हिंदी लैंग्वेज के लिए या हिंदी स्पीकिंग के लिए कोई ऐसी ऐप या वेबसाइट नहीं मिली जहाँ पर हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को सुधार सकते हैं. बट आई केम अक्रॉस दिस वंडरफुल ऐप कॉल्ड कैम्बली विच कैन हेल्प यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग. कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक इट्स लाइक आप डांस सीख रहे हो, आप ऑनलाइन डांस सीख रहे हो, देख के वीडियोज़ देख के आप डांस सीख रहे हो, आप देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग एंड एवरीथिंग. बट अगर आप डांस करके नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ पर वीक हो, कहाँ पर आपको काम एक्स्ट्रा काम करना है, कहाँ पर आपको थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं, कहाँ पर आपको करेक्शंस करने हैं. तो करके नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा. सिमिलरली अगर आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो, आप रीड कर रहे हो, यू आर लिसनिंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग,
बट इफ़ यू आर नॉट स्पीकिंग द लैंग्वेज इट वोंट वर्क. सो गाइज, अगर आप इंग्लिश अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बोलने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, देन दिस इज़ दी ऐप फॉर यू. इट्स कॉल्ड कैम्बली, एंड डिपेंडिंग ऑन योर गोल यू कैन एनरोल इन कोर्सेज रेंजिंग फ्रॉम बिजनेस इंग्लिश, पर्सनल डेवलपमेंट, आइल्स एंड मैनी मोर. सो दिस इज़ दी ओनली ऐप इन इंडिया विच प्रोवाइड्स यू वन ऑन वन प्राइवेट इंग्लिश क्लासेज विद देयर ट्यूटर्स फ्रॉम कैनेडा, US, UK एंड अलॉट मोर कंट्रीज. And before telling you about this app, I personally tried this and मैंने भी एक क्लास ली इस ऐप पर, एंड आई रियलाइज दैट द ट्यूटर्स वर रियली फ्रेंडली. एंड यू नो समटाइम्स क्या होता है कि अगर आप प्रॉपरली नहीं बोल पा रहे हो तो पीपल जज यू, एंड दैट हैज़ हैपन्ड विद मी ऑल्सो. बट आई रियलाइज दैट दे आर नॉट जजमेंटल एट ऑल. दे आर वेरी फ्रेंडली एंड दे हेल्प यू इवन इफ यू आर नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली. दे विल टेल यू वेरी पोलाइटली दैट दिस इज हाउ यू शुड से इट एंड दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग दिस. ओके, नाइस टू मीट यू. आई एम टॉम. हाय टॉम. सो वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया. आई एम फ्रॉम इंडिया. ओके, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंग्लैंड. ओके, ग्रेट. फ्रॉम लिवरपूल. Liverpool, England. Okay. So, which part of India do you come from? I am from Delhi, the capital, but I live in okay. Mumbai. I work in Mumbai. Okay. Nice. You can check the profiles of the tutors and you can select your own tutor and take a class any day, any time, because the tutors are available 24/7 just for you. Hey guys, I'm telling you, language in the field of voicing is like salt in a dish. अगर आप नमक अच्छे से नहीं डालोगे तो वो डिश प्रॉपर नहीं लगेगी. वैसे ही अगर आपकी लैंग्वेज प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी आवाज़ कितनी भी अच्छी हो, आप कितनी भी अच्छी तरह मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशंस कितने भी अच्छे हो, एक्टिंग कितनी अच्छी हो, वॉइस एक्टिंग, बट अगर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, एक्सेंट प्रॉपर नहीं है, डिक्शन प्रॉपर नहीं है, तो कुछ मिसिंग लगता है. अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोनंसिएशन में मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है व और व का साउंड, यानी वी और डब्ल्यू का साउंड. व इस तरह से बोला जाता है, बट डब्ल्यू को हम व बोलते हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. इट इज़ वॉल्ट, एंड डब्ल्यू से शुरू होने वाला वर्ड होगा व्हील. व्हाट, वेयर, I was. V से जो words शुरू होते हैं उनका pronunciation V से किया जाता है, यानी कि voucher, vibrate, vast. I hope you understood the difference. It is V and W. Pronunciation की ही बात करें तो और कुछ कुछ ऐसे words हैं जो बहुत common हैं और उनमें गलती करना भी बहुत common हो जाता है लोगों का, जैसे कि Wednesday. अब हमें बचपन से आई एम श्योर सिखाया गया है वेडनेसडे, स्पेशली नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में. बट क्या आपको पता है कि आप बचपन से ये वर्ड गलत बोल रहे हैं? इट्स नॉट वेडनेसडे, इट्स वेंसडे. डी साइलेंट होता है इस वर्ड में, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं था, राइट? इट्स वेंसडे एंड नॉट वेडनेसडे. एक और वर्ड जो हम बहुत गलत बोलते हैं और कोई हमें नहीं बताता कि दिस इज़ रॉन्ग, इज प्लम्बर. बट गाइज, दैट इज़ रॉन्ग. अगेन, इस वर्ड में बी साइलेंट होता है एंड इट इज़ प्लम्बर. नाउ आई डू अ लॉट ऑफ जिब्रिश चैलेंज ऑन इंस्टाग्राम. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं बहुत जिब्रिश चैलेंज करती थी. अब तो बहुत कम हो गया है, बट अगेन दिस वर्ड, इसको काफ़ी सारे लोग बोलते हैं गिब्रिश, गिब्रिश, बट इसकी सही प्रोनंसिएशन है gibberish. So I got in touch with Cambly and I told them about this video, and there's a good news for you all that if you want to subscribe to Cambly, you have a special promo code. Just because you've subscribed to my channel, you have a special promo code which is my channel's name, The Motor Mouth. If you apply this promo code, you will get a 25% off on any 3-month plan on Cambly. So guys, I would sum up by saying कि अगर आप अपनी language improve करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी communication skills को improve कीजिए. तो शुरू हो जाइए अब से language को सुनिए सीखने के लिए, entertainment के लिए नहीं, shows देखिए सीखने के लिए. English हो, चाहे हिंदी, चाहे कोई भी language हो, चाहे आपकी regional language हो, जिस भी language में आप काम करना चाहते हैं, उस language को
सीखने के लिए सुनिए। अगर आपके पास कोई बड़ा है जो आपको बता सके कि ये गलत है और इसे इस तरह से सही करना है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई जस्ट मेंशन अबाउट अ वंडरफुल ऐप कॉल्ड कैमली फॉर इंग्लिश स्पीकिंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। एंड हिंदी के लिए मुझे कोई ऐप या वेबसाइट नहीं मिली है, अगर मुझे मिलेगी आई विल कम अप विद अनदर वीडियो विद दैट information. So guys, thank you so much for watching. If you like the video, please hit the like button, share it with your friends if you feel ki unhe ye video help kar sakta hai. And agar aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai, please hit the subscribe button. Please. Thank you. Pyar you. Bye.